गलत बात। मौसी ने तो बोला था कि वो अकेली आदित्य साहब के घर पे काम करती है। तो तू किधर से आ गई? कौन हो? मैं सुरेखा, इधर काम करने को आई, लेकिन मुझे 10 मिनट की देरी क्या हो गई? तूने तो मेरे काम पे ही कब्जा कर लिया। ओए, फ्यूज बल्ब का फैला हुआ अंधेरा, मैं क्या काम वाली बाई लगती हूँ? मुझे देखने में तो बिल्कुल नहीं पता चलता कि काम वाली बाई हो। एक मिनट, भाई कौन हो तुम और हमारे घर रोज काम करने वाली मौसी किधर है? साहब वो मौसी बीमार है ना, तो कुछ दिनों तक मैं ही आपके घर में काम करूंगी। तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों अपना काम आधा आधा डिवाइड कर लो ना। झाड़ू तुम लगा देना, पोछा ये लगा देगी। गुल्ले जी आप ऐसे कैसे बोल सकते? मैं इसके साथ काम क्यों करूँ? आप आधा पगार इसको और आधा मेरे को दोगे क्या? नहीं, इसको हम अलग से पगार दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, दे देंगे। वैसे भी इसको पगार की क्या जरूरत है, पूरा पैसा तो मेकअप और कपड़ों में ही खर्चा करती होगी। मैं काम वाली बाई नहीं हूँ, समझी क्या? सिंगापुर के सबसे महंगे दुकान से कपड़े खरीदती हूँ मैं। यार अदी, कपड़ों से इंसान की असलियत छिप जाती है क्या? दिख जाती है ना, नॉर्मली तो दिख ही जाती है। अरे नहीं, ये अचानक से तेरे गालों पे इतनी लाली कैसे? ये क्या मेकअप से आ रही है या तुझे अंदर ही अंदर गुस्सा सा आ रहा है? इतनी बड़ी वाली बेइज्जती और वो भी बिना वजह की, आज से पहले तेरी कभी ना हुई चमकू। अरे अरे आ, काम वहीं से शुरू करो, उधर से ही शुरू। झाड़ू कोने में रखा कौन? आपको सब करना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तब तक तुम हनी सिंह के गाने गा लो। नहीं, वो क्या है ना, तब तक मैं कोई दूसरा काम कर लेती हूँ ना। हम दोनों बहनें मिलकर घर का काम करेगी ना, तो जल्दी से काम निपट जाएगा। और वैसे भी तुम्हारा किसी और घर में झाड़ू पोछे वाला काम होगा ना, तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी ना। ये तुम क्या कह रही हो यार? मैं तुम्हें नौकरानी लगती हूँ, तो यहाँ क्या कर रही हो? ओ अच्छा जी, अब समझी कौन से वाले सेठ के साथ तेरा चक्कर चल रहा है। अच्छा ठीक है, मत बता। तू नौकरानी नहीं है, चक्कर नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे क्या कीर्तन का प्रसाद बांटने आई हो तुम? तुम कौन होते हो ये पूछने वाली? इस घर की नई नौकरानी, जो यहाँ पे जो साहब है ना, उनसे भी बड़े साहब वो गोगल साहब है ना, उनके घर में भी काम करने जाएगी। वो क्या है ना, सारी खबर रखनी पड़ती है, नहीं तो बाहर जाके चुगली की बातें कैसी करूंगी मैं। अच्छा ये बताओ तुम हो कौन? नहीं बताती, पूछो क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है, ऐसे ना उल्टे पुल्टे सवाल मुझसे मत किया करो। हाँ बात है, बड़े तेज हो तुम। वो तो मैं हूँ, भगवान ने ऐसी बनाया है तो ऐसी ही हूँ। वो क्या है, नीचे आके रिपेयरिंग का टाइम इच नहीं मिला खुद को। अच्छा अभी मेरे को ना मेरा काम करने दो। काम? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि काम है कुछ और कर कुछ और रही है। एक तो इस चंपू ने बाथरूम में एसिड डालकर बाथरूम को बंद कर रखा है, ऊपर से ये प्रेशर है कि बढ़ता ही जा रहा है। अरे कैसे कंट्रोल करूं? ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया गुल्ले जी, मजाक मजाक तक ही रहना चाहिए। क्या जरूरत थी आपको मुझे काम वाली बाई बुलाने की? देखिए चंपू जी, पहली बात तो आपने हमारे बाथरूम में एसिड बिखेर दिया, अब किसी तरह मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप यहाँ के डिस्टर्ब कर रही हैं। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। वो सब मैं नहीं जानती, आप अभी के अभी उस लड़की को इस घर से निकाल दीजिए, उसने मेरी बड़ी वाली इंसल्ट की है। आप समझ क्यों नहीं रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है इस वक्त, मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज। एक मिनट लगेगा उसे निकालने के लिए, सिर्फ एक मिनट। अरे मुझे सिर्फ आधा मिनट लगता निकालने के लिए, लेकिन आपने बाथरूम में एसिड बिखेर दिया, क्यों? देखिए वैसे भी वो काम वाली भाई है, अपना काम करेगी, चली जाएगी, टेंशन क्या है। ओहो, बड़ी मासूम वैक्यूम क्लीनर लग रही है ना आपको वो। मेरी बात याद रखना, इस घर को ना साफ करते करते ना एक दिन आपकी तिजोरी भी साफ करके चली जाएगी वो। इस घर में तिजोरी है ही नहीं, और ले देखे मेरे पास एक सोने की अंगूठी थी, वो भी EMI भरने के चक्कर में बिक गई।
तो प्लीज आप इस वक्त यहाँ से जाइए, मुझे डिस्टर्ब ना करें। क्या जाएगा आप सामने से निकाल दिया तो? अरे निकालने तो जा रहा था मैं बाथरूम में, आपने एसिड फैला रखा है वहां पर। खैर देखिए इस वक्त आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरा जो प्रेशर है ना एकदम अपने परम सीमा पर है। पता है हमारे गांव में भी एक शर्मा जी हुआ करते थे, वो भी आपकी तरह ऐसी लंबी लंबी सांसें लिया करते थे। एक दिन तो इतनी लंबी सांस ले ली कि लंबा कट लिए वो एक झटके में। ऐसी डरावनी बातें करके आप कृपया मुझे डराइए मत, आप कृपया प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज चली जाइए, आप यहाँ से जाइए ना। आप उस काम वाली बाई को निकाल दीजिए बस। क्या निकाल दीजिए, निकाल दीजिए रट लगा रखी आपने। और नीचे सुरेखा भी मुझसे ये बात की थी कि आपको जाके निकाल दीजिए, निकाल सकते हैं हम आपको? निकाल सकते ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपकी प्रॉब्लम है क्या, आप हमारे मामले में टांग क्यों अड़ा रही है बीच में आकर? टांग वो अड़ा रही है और एक दिन ना आप दोनों को ऐसे पटकेगी ना वो। देखिए ऐसा है, ये आदित्य देव का घर है, कोई दंगल का अखाड़ा नहीं, इसका जो मन चाहे पटक दे, लटक दे, अटका दे। आप प्लीज जाइए अपने अखाड़े में, मतलब आप अपने घर जाइए, आपको दिया है ना सर ने अपना घर, तो जाइए ना प्लीज हमारे बेडरूम में। मतलब आप ना बड़ा वाला पछताने वाले, कह रही हूं मैं। सही नहीं है कोड़ी सिंह जी। मेरा नाम कोड़ी सिंह नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूं बार बार, पछताते रहना। आओ यार जाओ, क्या आफत है यार ये लड़की। अभी कहीं बाहर से दरवाजा लॉक तो नहीं कर गई? ऐसे कैसे आदित्य देव के घर का दरवाजा लॉक कर दे, क्या हलवा है क्या घर का? Oh, no. ये तो सच में लॉक कर गई। चमकू चमकू दरवाजा खोलो। मतलब ये तो अब क्या करेगा मनुष्य, अब मनुष्य कहाँ जाएगा, वो तो लॉक कर गई। हम नहीं मानव, आराम से आराम से आराम से। मानव कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जा रहा है? क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे मानव बाहर बालकनी है, मानव बालकनी में नहीं, मानव बालकनी में नहीं, मेरा लगा है वो गुलाब का पौधा मर जाएगा मानव। अरे पौधों को खाद की जरूरत है। मुंबई में क्राइम रेट 5% कम हुआ है, हा हा। अरे क्यों नहीं होगा, मुंबई को हमारा माफी पुलिस कमिश्नर जो मिला है जो किसी से नहीं डरता है। पूरी बावड़ी इतना खान के अंदर घुसते क्यों चिल्लाता है, उधर से नॉक करके बात नहीं कर सकता। सॉरी दादा, लेकिन दोनों हाथ खाली नहीं थे ना, फाइल से भरे हुए थे, इसके लिए नॉक नहीं किया। खोपड़ी से नॉक करने का, वो तो खाली है। ओके देर से पहुंचा, देखो बोलो क्या बात है। दादा बहुत ही मुश्किल से जान पर खेलकर एक ऐसी खबर लाया हूँ जो किसी को नहीं पता। पता चला है कि खतरनाक गैंग बहुत बड़ा क्राइम करने वाला है। खतरनाक क्राइम करने वाला है, किधर करेगा ये नहीं पता, लेकिन है ना एकदम सॉलिड खबर। क्या पता है, इधर ये क्या लगा है? ए तुम चूरन खाया करो रे, हमारा दिमाग मत खाया करो, वरना तुमको ये सब इंस्पेक्टर का पोस्टर निकाल कर ट्रैफिक हवलदार बना दूंगा। आपको क्या है, खबर लाया है क्राइम होने वाला है? अरे कौन बताएगा साला, कौन करने वाला है? करने वाला है नहीं मामू, करने वाली है। मतलब मुंबई में कोई नई गुंडी आई है? मुंबई में नहीं मामू, आदि मानव के घर में। वो जो नई बाई है ना सुरेखा, जो आज से आपके घर में भी काम कर रही है। अरे वो तो बहुत अच्छा है, अरे हमको नाश्ते में हमारा फेवरेट फिश फ्राई खिलाया हमको। ठीक है, ऐसे ही आपके पसंद के नाश्ते बना बना के एक दिन आपके रास्ते लगा देगी ये लड़की। अरे सर ये सबके फोन एक साथ क्यों बज रहे कोरस में? अरे जरूर कोई तूफान आने वाला है। अरे क्या मानव सर, चप्पल चोर ये तू ही है?
पता नहीं ये क्या है ये? अच्छा मैं नहीं हूँ। ये ऐसी हरकत मैंने कभी ये किया ही नहीं। अरे ब्रो कपाटा, तुमने पूरा डिपार्टमेंट का इज्जत मिट्टी में मिला दिया रे। अरे सुबह से पूरा रिपोर्टर लोग का फोन आ रहा है, अब इसको कौन जवाब देगा रे? सर आप टेंशन मत लीजिए सर, इसको जवाब मैं दूंगा। हेलो कमिश्नर गोगोल इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाने अहमदाबाद गए हैं। तुझे क्या, तू पूछने वाला कौन होता है बे? कौन? अरे अरे जीजा जी, जीजा जी सॉरी, हाँ कमिश्नर सर यहाँ पर नहीं है जीजा जी, जैसे ही वापस आते हैं जीजा जी मैं उनको बोलता हूँ आपको कॉल करेंगे। जी जी सर, ओके सर, हाँ सर। ये भोका पाटा, तुमको ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता रे? अरे कोई भी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाने के लिए अहमदाबाद लेके जाएगा पागल? तुम हमको साथ बोलो रे, तुम हमारा जिंदगी में हमारा वाट लगाने के लिए पैदा हुआ रे? नहीं सर, पैदा तो मैं बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए हुआ हूँ सर, लेकिन सर अभी किस्मत साथ नहीं दे रही है, आजकल तो ये छोटे मोटे काम अपने आप ही हो जाते हैं। शट अप, पुलिस ऑफिसर होकर मंदिर के बाजू में जूता चप्पल चुराता है? अरे शोरूम नाम का भी कोई चीज होता है? शोरूम से चुराने चाहिए थे सर, मेरा हिंदी बहुत वीक है। शोरूम गिल्टी फील। अच्छा अच्छा, आपका मतलब है शर्म? हाँ वही तो बोला, शोरूम जो तुम्हारे पास है ही नहीं। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर, ये क्लिप झूठी है सर। प्रणाम मिस्टर गोगुल चैटर्जी, कमिश्नर ऑफ पुलिस। प्रणाम प्रणाम, अब बोलो बोलो बोलो। अरे बस बस, क्या आशीर्वाद क्या लेते रहते हो? अरे नहीं नहीं, मच्छर बहुत है यहाँ पे। सर एक गुड न्यूज है। बोलो। सर मैंने आईटी सेल के हेड होने के नाते इस क्लिप को अच्छे से एग्जामिन किया है। एग्जामिन होता है? हाँ हाँ वो ही किया है। तो ये क्लिप सुबह 11 बजे बनी है, इस क्लिप के साथ कोई मॉपिंग या कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, इसका मतलब ये क्लिप बिल्कुल भी फेक नहीं है, एकदम असली है। तो इसमें गुड न्यूज क्या है? मैं कह रहा हूँ आपको ये वर्दी ना शोभा नहीं देती है। अबे गुड न्यूज क्या है बोल। अरे अगर ये फेक होती तो डिपार्टमेंट का कितना काम बढ़ जाता, कि फेक क्लिप किसने बनाई, क्यों बनाई, कहां से अपलोड की, किसने अपलोड की, उसका पता लगाओ, इसका पता लगाओ, फलाना ढिमकाना, किसी का पता नहीं लगाना, क्योंकि आपका पता तो हमें पहले से ही पता है। ए मानो, आज तुम सुबह 11 बजे किधर था? सर 11 बजे के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सर। याद नहीं आ रहा है? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, सर उस दिन के बारे में मुझे सब कुछ याद है सर, बाकी सब याद है सर, ये 11 बजे का जो स्लॉट है ना सर, वो उसके 11 बजे का मुझे कुछ याद है यार सर, 11 बजे का याद है यार। रोना नहीं, रोना नहीं रे बाबा, घर घर जाओ, आराम से याद करो। अभी मुझे तुमको मजबूरन सस्पेंड करना पड़ेगा, एंड यू आर सस्पेंडेड। भारती ये ऊपर वाले चोर को छोड़ देते, नीचे वाले को पकड़ेंगे। गुल्ले जी क्या हो गया, फटे जूते से शक्ल को बना रखी है? जूते नहीं, जूते नहीं, जूते नहीं, चप्पल नहीं, इन चीजों का तो आप नाम मत लीजिए, बस इन्हीं चीजों की वजह से आज कमिश्नर साहब ने मुझे सस्पेंड कर दिया। क्या हुआ क्या लेके? अरे कमिश्नर साहब के पास एक वीडियो क्लिप आ गई है जिसके अंदर मैं किसी मंदिर के बाहर चप्पल चुरा रहा हूँ, मैं चप्पल चुरा रहा हूँ। सर अगर आप कहे तो वो इल्जाम मैं अपने सर ले लूं। अरे कैसे ले लोगी अपने सर पे इल्जाम, वीडियो क्लिप में मेरी शक्ल दिखाई दे रही है साफ साफ। लेकिन आपने चप्पल चुराई ही क्यों, ये बहुत गलत बात है। अरे मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ मैंने चप्पल नहीं चुराई। सर कसम तो आप मेरी भी खा सकते हैं ना। आज जिस दिन मैं झूठी कसम खाऊंगा ना उस दिन तुम्हारी कसम खा लूंगा ना। ओके ओके, अगर आपने जूते नहीं चुराए होंगे तो कुछ और गलत काम किया होगा, तभी तो भगवान आपकी जिंदगी में भजड़ मचा रहा है। अरे इस पेट के रहते मैं अपने पैर में पहनी हुई चप्पल खुद नहीं देख सकता, मैं किसी और की चप्पल में नजर क्यों डालूंगा, मैं बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मैंने कोई गलत काम लाइफ में नहीं किया। लोगों से गलती से हो जाते हैं गलत काम, लोग बड़े लुल हो जाते हैं। क्या लुल? लुल मतलब बुद्धू बोडम। याद कीजिए आपने भी कोई गलत काम किया होगा, जैसे कोई गलत बाई आपने अपने घर पे रख ली हो,
यहाँ पर मेरी नौकरी को मुझे बाई बाई कहना पड़ रहा है और आपको काम वाली बाई की पड़ी हुई है। मैं वैसे ही बहुत टेंशन में हूँ, आप प्लीज मुझे और टेंशन मत दीजिए। मैं खत्म करने आई हूँ। मुझे टेंशन खत्म करने आई हूँ मैं? यू नो कोई है जो आपको आपके इन सारी मुसीबतों से दूर कर सकता है? कौन 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 कौन? और कौन? भगवान। आप एक काम कीजिए, मेरे साथ चलिए मंदिर और वहां मत्था टेकिए। आप मत्था मत टेकिए, मत्था मैं टेक लूंगी, आप हाथ जोड़ लीजिए। मंदिर तो चले पहले। हाँ चलिए चलिए, मंदिर चलिए। मंदिर तो चलते हैं, ट्राई करते हैं। जो भी मत्था टेक लिया तो टेक लिया, नहीं तो क्या बात है यार, भगवान भी खुश हो जाएंगे। ये चंपू जी, वो वीडियो क्लिप वाली जगह यही है? यही वो जगह है? अच्छा ठीक है, चलिए अंदर तो चलिए, आप दर्शन तो ले लीजिए। मंदिर है ये, यहाँ पे सारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। अच्छा जूते यहाँ पे मत उतारना, क्योंकि शहर में ना चप्पल चोर घूम रहे हैं। ये आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? ना ना, आपका मजाक तो पूरा शहर उड़ा रहा है, मैं तो सिर्फ आपको सावधान कर रही हूँ। नहीं मैं काफी सावधान हूँ, मैं यहाँ पर ना थोड़ी पूछताछ कर लेता हूँ। आप मंदिर में जाके दर्शन कीजिए ना, मैं थोड़ी देर बाद दर्शन करता हूँ। पक्का पूछताछ करेंगे कि वो क्लिप वाला कांड फिर से नहीं? हाँ नहीं ठीक है। मैं जब से ये वीडियो क्लिप आई है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, अब ये चप्पल चोर का दाग मैं अपने सर से हटा के रहूंगा। यहाँ पे कोई तो होगा जिसने मुझे चप्पल चुराते हुए देखा होगा, कोई तो। भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे। अरे भाई जरा बात सुनो। चप्पल चुराई थी ना तो बेटा, आज के आज तुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी चप्पल चुराई थी? हाँ? देखो पहले तुम मेरे बांध छोड़ के बात करो, मैं पुलिस वाला हूँ, वर्दी दिखाई नहीं दे रही तुमको। वर्दी वर्दी भी बेटा कहीं से चुरा के लेके आया होगा, पागल मत समझ। चप्पल दे दे, चप्पल दे दे, नहीं तो ये चप्पल ऐसी दूंगा ना कान के नीचे दूंगा तुम्हें। चप्पल छोड़ो मुझे, कहीं भी दे चप्पल दे दे। और हाँ मेरी चप्पल देना, किसी और की पुरानी चप्पल नहीं चलेगी। हाँ। अबे दूंगा मैं, छोड़ छोड़ बोलो छोड़। पुलिस वाला हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, गन है मेरे पास, चला दूंगा। बेकार की बात कर रहे हो, देखो अगर मैंने तुम्हारी चप्पल चुराई ना, मैं तुम्हें नई चप्पल लाके दे दूंगा। खाली मुझे ये बताओ कि अगर तुमने मुझे चप्पल चुराते हुए देखा तो उस समय मैं किसी से बात बात कर रहा था, मैं कुछ बोल रहा था तब? अरे आप अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहे थे, होश नहीं था हुजूर आपको। मैंने सोचा कि कोई धतू जैसी शक्ल वाला आदमी भांग पी के आ गया, बड़बड़ा रहा है। ए, ये बताओ कि मेरे साथ कोई था क्या? हाँ, 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 था एक एकदम बहुत खूबसूरत लड़की थी आपके साथ। हाँ। ये तुम ये रखो, नई चप्पल ले लेना ठीक है। जाओ जाओ। खूबसूरत लड़की थी, और हाथ में क्या है? कुछ नहीं सर। राइट हैंड में नहीं, लेफ्ट हैंड में क्या है? कुछ नहीं है सर। अरे ये क्या है बॉस? चप्पल है सर। वो तो मुझे भी दिख रहा है बॉस कि ये चप्पल है। खानी है तुमने? उसी इतना जवाब दो, ये क्या बांध रखा है चप्पल को? चेन है सर, सिक्योरिटी के लिए। चप्पल की सिक्योरिटी? अगर मानव सर भगवान के घर से चप्पल चुरा सकते तो यहाँ के चप्पल तो पक्का नहीं छोड़ेंगे। शट अप। क्या देख रहे हो ऐसे? अच्छा तुम में से कितने ऐसे लोगों को लगता है कि मानव सर चोर है? चलो अपने दोनों हाथ उठाओ, उठाओ। देखा, तुम्हारे अलावा इनमें से किसी को नहीं लगता कि मानव चोर है, सबको भरोसा है उसके ऊपर। सर भरोसा भरोसा कुछ नहीं है, सब लोग दूसरे हाथ में चप्पल पकड़ के बैठे हैं सिक्योरिटी के लिए। ए, सब लोग अपने दोनों हाथ उठाओ, दिखाओ सर को, दिखाओ, चलो। कैसे लोग भर रखे हैं। हेलो हेलो
जानना चाहते हो काले बादलों के पीछे काला चांद कौन है? जी पर्दा उठाओ क्या? कौन बोल रहा है? जिनको आम खाना होता है ना वो गुठली पे शौक नहीं करते। देखिए साफ साफ बताइए आपको काम क्या है? जानना चाहते हो क्या वो जो तुम्हारे होनहार इंस्पेक्टर है ना मानव, उसको किसने फंसाया है? किसने? अरे वो चिड़िया जो तुम्हारे घर में बैठे बैठे शिकारियों का शिकार कर रही है। पूछो कौन? कौन? इससे पूछने वाली क्या बात है? वो सुरेखा, सुरेखा हाँ वो, उसको घर से बाहर निकालो, एक नंबर की टुच्ची औरत है। ठीक है मैडम, हम पुलिस फोर्स भेजते हैं पकड़ने के लिए। नहीं नहीं फोर्स भेजने की क्या जरूरत है, एक लड़की है ना तो आपके तरफ से किसी एक को भेज दो, उस लड़की को पकड़ो और घर से निकाल दो एकदम। जरूरत है मैम पुलिस फोर्स की, एक आकर आपको कस के पकड़ेगी, दूसरे आपके हाथों में हथकड़ी लगाएगी और तीसरी आपके मुंह पर टेप लगाएगी जिसकी आपको सख्त जरूरत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कंकड़ है? कंकड़ है और वो कंकड़ तुम हो चमकू। तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ सब कुछ मजाक चल रहा है, गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे हम लोग? ऐसा है मेरे पार्टनर पर चोर होने का इल्जाम लगा है, एक पुलिस वाले पर, और मुझे उसके चरित्र पे से दाग हटाना होगा। तो कृपया करके आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे फोन कर करके बार बार परेशान ना करें। हेलो तो मेरी बात सुन। हेलो हेलो टाइम पास। कीचड़ उछालना तो अब शुरू हुआ है, ना जाने दाग किस किस पे लगेगा।